ये केमिस्ट्री की मिस्ट्री है, कोई कंपाउंड नीला है, कोई कंपाउंड पीला है, प्रेम लीला है, रसायन लीला है। मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बेबाक तरीके से। दोस्तों, अच्छा टाइम अपने आप नहीं आएगा, अच्छा टाइम लाना पड़ता है। अच्छे टाइम के लिए हमें कड़ी मेहनत, राइट स्ट्रेटजी, राइट अप्रोच से काम करना होगा। आज हम केमिस्ट्री में रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास की पूरी माया को जानेंगे। एटॉमिक मास से रिलेटेड हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन से स्टार्ट हो चुका है, आज हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले बात करनी है यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास की। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का एटॉमिक मास कैलकुलेशन में क्या रोल रह चुका है, ये हमें जानना है। सबसे पहले आइए बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। देखिए किसका रेशियो है, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM इज इक्वल टू, ये रेशियो है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का मास, एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इससे देखिए हमें क्या मिलता है, प्रीवियस सेशन में हमने एटॉमिक मास को, मास ऑफ वन एटम को कैपिटल AAMU से रिप्रेजेंट किया है, तो आज एक बार फिर से हमने एटॉमिक मास को कैपिटल AAMU से रिप्रेजेंट किया है। और ये देखिए 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या हुआ है, बिल्कुल बारीकी से अंडरस्टैंड करना होगा, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ये 1 AMU क्या है, ये 1 AMU है, AMU से AMU यूनिट देखिए कैंसिल हुई, तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी, यहां भी AMU है, यहां भी AMU है, तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी, जी नहीं, कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्या है ये, यूनिटलेस है, और न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, ये देखिए कैपिटल A के इक्वल है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसकी, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास कैपिटल A है, कैपिटल AAMU है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, ये होगा कैपिटल A, क्लियर है बात। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर कैपिटल A है तो हम ये भी बोल सकते हैं एटॉमिक मास क्या होगा, AAMU होगा। यानी यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने जो एटॉमिक मास AAMU है इसकी यूनिट को हमने यहां से रिमूव किया और रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने यहां डिफाइन किया जो कि क्या है, कैपिटल A है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, और यहां पर हमने मेंशन किया है 1 AMU किसके इक्वल है, 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कैसे इसके इक्वल है, आइए इसको भी बारीकी से अंडरस्टैंड करना होगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एक्सपेरिमेंटली देखा जा चुका है ग्राम में क्या होगा, 1.99 इंटू 10^2 -23 ग्राम होगा, क्लियर है बात। तो देखिए 1 AMU क्या है, 1 AMU इज 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आइए इसको फील करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो ग्राम में है इसे यहां पुट करते हैं, यहां से आप ज्यादा अच्छे से इसको फील कर पाएंगे। जो आप देख चुके हैं प्रीवियस सेशन में वैसा ही एक बार फिर से आप देखने वाले हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को मैंने ये पुट किया तो देखिए क्या मिलता है, 1/12 इंटू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10^2 -23। यहां से हमें 1 AMU 1.66 इंटू 10^2
-24 ग्राम मिलता है। देखिए प्रीवियस सेशन में भी हमने 1 एमयू को इतने ही ग्राम बोला है और आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया, यहां भी हमें 1 एमयू किसके इक्वल मिलता है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के इक्वल मिलता है। दोनों ही डेटा मैच होता है, इसका मीनिंग है जो हमने प्रीवियस सेशन में 1 एमयू को रिप्रेजेंट किया था एक बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल सही था, और आज हमने यहां भी 1 एमयू को एक अलग स्टाइल में रिप्रेजेंट किया है कार्बन स्केल को यूज करते हुए, ये भी करेक्ट है। चलिए आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करना है, कैपिटल एम ए जेड, अगर ये है एटम की रिप्रेजेंटेशन, इसमें कैपिटल एम क्या होगा ये आप जानते हैं, ये सिंबल होगा, क्लियर है बात, और कैपिटल ए ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, कैपिटल जेड ये एटॉमिक नंबर है। मास नंबर से हम आसानी के साथ एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कैसे, एटॉमिक मास एएमयू यूनिट में क्या होगा, कैपिटल ए एएमयू होगा, और ग्राम यूनिट में एटॉमिक मास क्या होगा ये भी हमने देखा है प्रीवियस सेशन में, इसको चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। एटॉमिक मास ग्राम यूनिट में देखिए क्या होगा, ए इंटू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, 1 एएमयू हम जानते हैं किसके इक्वल है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के इक्वल है। इस प्रकार से इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एटॉमिक मास ग्राम यूनिट में मिल जाएगा। आई होप ऐसा आपने भी किया होगा और आपने भी इसके एटॉमिक मास को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया होगा और लर्न भी किया होगा, इसको लर्न करना है। ये देखिए मास नंबर से ये इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी और आसानी के साथ एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्लियर है बात। देखिए इसको यूज करते हुए कैसे हम 1 एएमयू में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, 1 एएमयू 1/12 × मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, 12 मास नंबर है, तो देखिए इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, 12 एएमयू, 12 से 12 कैंसिल होगा, तो देखिए 1 एएमयू 1 एएमयू के इक्वल है, यानी ये हमने करेक्टली रिप्रेजेंट किया है, एक और प्रूफ हमने इसका देख लिया है। ऐसे तो हम किसी और एटम के लिए भी 1 एएमयू को ठीक इसी प्रकार से आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जी हाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सभी के लिए 1 एएमयू को हम आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए कैसे 1 एएमयू हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, तो देखिए 1 एएमयू किसके इक्वल हुआ, 1 × मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है बात, हाइड्रोजन 1 इसका मास नंबर क्या है, 1 है, ऐसे 1 एएमयू ऐसे भी आसानी के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑक्सीजन स्केल पर अगर 1 एएमयू की बात की जाए तो 1/16 × मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, क्लियर है बात। ऐसे नाइट्रोजन स्केल पर बात की जाए तो 1 एएमयू क्या होगा, 1/14 × मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14, देखिए कैसे इस प्रकार से 1 को मल्टीप्लाई किया गया इसके साथ तो चेंज तो होगा नहीं, और इसका मास देखिए क्या है, 1 एएमयू है, क्लियर है बात, तो 1 एएमयू 1 एएमयू के इक्वल हुआ। यहां देखिए 1 एएमयू किसके इक्वल है, 1/16 से मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 क्या होगा, मास नंबर 16 है, ये होगा 16 एएमयू, देखिए 16 से 16 कैंसिल हुआ, अगेन ये 1 एएमयू और ये भी 1 एएमयू, तो इसके इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है। आगे देखिए यहां 1 एएमयू किसके इक्वल है, 1/14 × मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14, देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 क्या है, इसका मास नंबर 14 है, ये है 14 एएमयू,
तो 1/14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 से 14 कैंसिल हुआ, 1 AMU एक बार फिर से 1 AMU के इक्वल है। आई होप इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। यानी 1 AMU को कार्बन स्केल पर तो ऐसे रिप्रेजेंट किया ही जा सकता है, हाइड्रोजन स्केल पर, ऑक्सीजन स्केल पर, नाइट्रोजन स्केल पर और भी कोई स्केल यूज करते हैं तो भी हम इस प्रकार से 1 AMU को आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सल्फर स्केल पर बात करनी हो तो क्या होगा 1 AMU आपको ही बताना है, क्या होगा सल्फर स्केल पर। देखिए सल्फर का मास नंबर 32 होता है, तो यहां जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर 32। क्लियर है बात? तो यहां क्या होगा 1/32, ताकि 32 से 32 कैंसिल हो पाए और हमें राइट साइड भी 1 AMU मिल पाए। ऐसे ही फॉस्फोरस स्केल पर बात करनी हो, फॉस्फोरस के 1 एटम का मास क्या होगा, 31 होगा। क्लियर है बात? तो 1/31 इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस 31, तो यहां से हमें क्या मिल पाएगा 1 AMU। यहां क्या है 1 AMU, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। देखिए अगर आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं 1 AMU को इस बेहतरीन अंदाज में डिफरेंट डिफरेंट स्केल के साथ, तो डिफरेंट डिफरेंट स्केल के साथ रिलेटिव एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल किया गया था, आपको अंडरस्टैंड करना होगा मेरे साथ। हाइड्रोजन स्केल पर अगर बात की जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 into मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1। क्लियर है बात? मास नंबर क्या है 1 है। अगर एटॉमिक मास इस एटम का देखिए कैपिटल AMU है तो ये क्या है, ये 1 AMU है। ये देख सकते हैं मास नंबर क्या है 1 है, तो ये है 1 AMU। यहां से भी हमें रिलेटिव एटॉमिक मास कैपिटल A मिलता है। आगे चलते हैं, आगे हमें बात करनी है नाइट्रोजन स्केल के साथ अगर बात की जाए रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/14 इनटू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14। ये देखिए ये 14 AMU है, लेकिन 1/14 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहां से क्या मिलता है हमें 1 AMU, और ये क्या है कैपिटल AMU। अगेन आपको यहां से भी देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास कैपिटल A मिलता है। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन स्केल के साथ बात करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा अगर बात की जाए ऑक्सीजन स्केल के साथ। आगे चलते हैं, देखिए अगर ऑक्सीजन स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करनी हो तो ऑक्सीजन स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। उसी प्रकार से आप ऑक्सीजन स्केल पर भी रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जिस प्रकार से अभी तक आपने रिप्रेजेंट किया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/16 इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, एक एटम का मास 16 AMU और 1/16 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी क्या हो जाएगा ये 16 into 1/16, ये हो जाएगा 1 AMU और ये क्या है कैपिटल AMU। एक बार फिर से रिलेटिव एटॉमिक मास आपको क्या मिलता है, कैपिटल A मिलता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सल्फर स्केल पर अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना हो, यूनिटलेस क्वांटिटी देखिए आपको क्या मिलती है, और सल्फर स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/32 इनटू मास ऑफ 1 एटम
ऑफ सल्फर 32, क्लियर है बात? ये क्या है? ये 32 AMU है, और इस 32 AMU को 1/32 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से क्या मिलता है आपको? आपको यहां से इसका मास मिलता है 1 AMU, और ये क्या है? कैपिटल AMU। एक बार फिर से, यूनिटलेस क्वांटिटी रिलेटिव एटॉमिक मास आपको क्या मिलती है? ये मिलती है आपको कैपिटल A के इक्वल। और ये सिलसिला और किसी स्केल पर भी ऐसे ही चलता रहेगा, और हम रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक तराजू है जिसको यूज करते हैं किसी भी चीज के वेट को वे करने के लिए। आजकल इसको रिप्लेस किया गया है डिजिटल वेइंग मशीन से, जिसे आसानी के साथ किसी भी चीज के वेट को हम वे कर पाते हैं, और एरर रहने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इस तराजू का यहां पर क्या रोल है, इसकी हमें बात करनी है। बात काफी पुरानी है, जब एटम के मास को कैलकुलेट नहीं किया गया था, तो उस टाइम रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को यूज करते हुए बेहतरीन तरीके से एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया गया था। किस प्रकार से? देखिए इस तराजू के कॉन्सेप्ट से हम इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर मैंने रखा है कार्बन 12, और मैं बात करूंगा हाइड्रोजन स्केल पर कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया जा सकता है, और कैसे तराजू के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए किसी के भी एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कार्बन 12 का एक एटम है, देखिए इसका मास नंबर क्या है, 12 है, क्लियर है बात? और यहां पर हमें इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम्स को रखना होगा, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है ये 12 है और ये 1 है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए, इनके मास को इक्वल बनाने के लिए हमें यहां पर 12 हाइड्रोजन एटम्स को रखना होगा। पहले हाइड्रोजन के मास को 1 माना गया, और जितने टाइम्स हाइड्रोजन का नंबर होगा यहां पर, ताकि इसको बैलेंस कर पाए, जब ये बैलेंस्ड होगा तो जो हाइड्रोजन का नंबर होगा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन से ही बैलेंस हो पाएगा। जितने टाइम्स हाइड्रोजन का नंबर यहां होगा, ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे ये 12 है और ये 1 है, तो 12 क्या हुआ, 12 हुआ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर यह नाइट्रोजन होता जिसका मास नंबर 14 है, तो उस केस में कितने हाइड्रोजन बैलेंस कर पाते? देखिए 14 हाइड्रोजन से बैलेंस होता, तो 14 क्या है, 14 इसका एटॉमिक मास है, और बोल सकते हैं 14 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर यहां 16 होता, देखिए ये बैलेंस हो पाएगा 16 हाइड्रोजन से, ये आप देख चुके हैं। तो इस प्रकार से 16 टाइम्स हाइड्रोजन का नंबर है, तो यही क्या होगा, इसका एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ये हम देख चुके हैं। तो इस तराजू के कॉन्सेप्ट से आसानी के साथ हमने यहां पर डिफाइन कर लिया है रिलेटिव एटॉमिक मास को, कितने टाइम्स किसी एटम का मास हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में है, वही क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। जैसे 12 टाइम्स है, तो 12/1, तो कितने हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, 12 हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, 12 टाइम्स हुआ इसका मास। अगर 14 टाइम्स है, तो 14 हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, कितने टाइम्स हुआ इसका मास, हाइड्रोजन के 1 एटम के मास के रिस्पेक्ट में 14 टाइम्स हुआ, तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर किसी एटम का मास 32 है, तो कितने हाइड्रोजन उसे बैलेंस कर पाएंगे, 32 हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, यानी ये मास 32 टाइम्स हो जाएगा हाइड्रोजन के एक एटम के मास के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही तराजू के कॉन्सेप्ट से रिलेटिव एटॉमिक मास को आसानी के साथ रिप्रेजेंट किया गया। कॉन्सेप्ट के बाद हाइड्रोजन स्केल को डिस्कार्ड किया गया और कार्बन स्केल को अपनाया गया। ऐसी क्या खास बात है कार्बन में, जो कार्बन को स्टैंडर्ड स्केल लेने में हमें मजबूर करती है? देखिए इसकी हमें बारीकी से बात करनी है। आखिरकार कार्बन स्केल ही स्टैंडर्ड स्केल क्यों है? इन द लेटर सिस्टम ऑफ एटॉमिक स्केल कार्बन 12 हैज बीन चोजन एज रेफरेंस स्केल विद एटॉमिक मास कार्बन 12। व्हाई? ऐसा क्यों है? कार्बन 12 को ही हमें स्टैंडर्ड स्केल में क्यों यूज करना है, इसकी हमें बारीकी से बात करनी है। इसके लिए हमें देखिए कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा, जैसे अबंडेंस, इसकी परसेंटेज, अबंडेंस ऑफ
कार्बन 12 इज हाई, ऑलमोस्ट 99% होता है कार्बन 12, इसकी अबंडेंस ज्यादा है। कार्बन के आइसोटोपिक मिक्सचर में कार्बन 12 की अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। पॉइंट नंबर टू रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन 12 इज लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कार्बन 12 को स्केल में लिया और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो गया, यानी स्केल ही चेंज हो जाएगा, यानी हमें गलत डेटा मिल पाएगा यहां से। फिर अगर ये रिएक्ट हुआ तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, ये दूसरे किसी एलिमेंट के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं होगा, तो हमें एक्यूरेट डेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का मिल पाएगा, इसलिए कार्बन 12 को हम यूज करते हैं। रीजन नंबर 3 देखिए क्या है, बिकॉज बाय डूइंग सो एटॉमिक मासेस ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स कैन बी मेड होल नंबर। मैक्सिमम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस होल नंबर में मिल जाते हैं इस स्केल को यूज करने से, इसीलिए इन तीन रीजंस की वजह से हम कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड स्केल मानते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप ये आपने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं, आगे हमें इस पॉइंट की बात करनी है, 1 AMU किसके इक्वल है। अब तो आप देखते ही आंसर कर देंगे 1 AMU किसके इक्वल है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यहां पर अंत होता है इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। 1 AMU किसके इक्वल है ये जान चुके आप, 1 AMU किसके इक्वल है, 1 AMU इक्वल होता 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा हमें ए ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन हुआ इसका राइट आंसर। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा और कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा, फाइनल आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10^-24 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियंस, ये आपको बताया जा चुका है। और इसके नंबर की बात करनी है तो हमें देखिए क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मिल जाएंगे प्रेजेंट इन टू एटम्स, दो एटम्स में कितने न्यूक्लियंस होंगे इसकी बात करनी है। आइए सबसे पहले बात करें एक एटम में कितने न्यूक्लियंस होंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन ये है कैपिटल एम, ये सिंबल है ये हम जानते हैं, और कैपिटल ए मास नंबर है, मास नंबर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यू